हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और यह वीडियो जो है आप लोगों का अप्रेंटिस से संबंधित वीडियो है और यह अप्रेंटिस जो है आपका हरिद्वार भेल जो है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो हरिद्वार में प्लांट है उत्तराखंड में, उसमें जो है आप लोगों के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई है। और इस अप्रेंटिस की वैकेंसी का जो है लास्ट डेट क्या है, इसका आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एज क्या है और सारा इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको जो है इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो आपका अप्रेंटिसशिप का जो ये वैकेंसी है, इसके लिए आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो है साइट है, उस साइट पर में जाकर के आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसमें जो है यदि आपको जो है नोटिफिकेशन इसका चाहिए तो देखिए, ये साइट पर में जाइएगा तो आपको यहाँ पर में एक सर्कुलर दिखाई देगा और इस सर्कुलर पर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आप साइट से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैं इसको दे चुका हूँ, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह देखिए, नोटिफिकेशन आपका जो है 11/6/2022 के डेट में जो है आज जो है यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यह आपका अप्रेंटिस जो है 2022-23 सेशन के लिए है अप्रेंटिस। और यह भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है आपका रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड में है, उसके द्वारा जो है निकाला गया है। और आप लोग भेल के बारे में तो पहले से परिचित होंगे, भेल जो है बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज है और इससे अप्रेंटिस करने के लिए जो है सभी इच्छा रखते हैं, तो अवश्य प्रयास करें इसमें आप। देखिए, यह अप्रेंटिसशिप जो है आपका आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर मैं देखिए आपका दिया हुआ है, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो आईटीआई से पास स्टूडेंट्स है केवल वही जो है इस अप्रेंटिस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इस अप्रेंटिस में जो है कौन कौन सा ट्रेड्स है, कौन कौन से ट्रेड्स के स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपका दिया हुआ है, फीटर है, फीटर में आपका 65 जो है सीट है, टर्नर है, टर्नर में 19 सीट है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट में 43 सीट है, वेल्डर है, वेल्डर में 20 सीट है, इलेक्ट्रीशियन है 26 सीट है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है 2 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है 1 सीट है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है 1 सीट है, कारपेंटर है 1 सीट है, फाउंड्री मैन जिसको कि आप लोग मोल्डर बोलते हैं उसमें भी जो है आपका 6 सीट है। तो कुल मिला करके आपको जो है यहाँ पर में 184 सीट है, 184 सीट के लिए टोटल जो है आवेदन जो है मांगा गया है। इसमें देखिए, एक खास बात इसमें क्या है कि यदि आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने पहले से अगर आईटीआई पास कर चुके हैं तो पुराने सेशन के स्टूडेंट्स जो है इसको नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें देखिए शर्त दिया हुआ है कि हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं एनसीबीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 2019-2020-2021-2022 में आईटीआई नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। तो इसमें आपको जो देखिए कि 2019 में यदि आप पास किए हैं, इसका मतलब हो गया कि 2017-19 सेशन, 2020 इसका मतलब हो गया 2018-20 सेशन, उसके बाद 2021 है इसका मतलब यह हो गया कि 2019-21 और 2022 है इसका मतलब 2020-22। तो यह जो है आप 4 सेशन का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें 2020-22 सेशन का जो है अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ना ही उसका रिजल्ट आया है, तो 2020-22 सेशन के स्टूडेंट्स जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसमें 2022 देने का मीनिंग यह है कि एक साल वाले जो ट्रेड होंगे जो 2020-21 के होंगे तो उनका जो है रिजल्ट आ चुका है, उनका एग्ज़ाम हो चुका है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो एक साल के ट्रेड वाले जैसे कारपेंटर है, फाउंड्री मैन है, तो ये सब ट्रेड जो है इसमें वेल्डर है, तो ये तीनों ट्रेड के लिए जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एनसीबीटी से उत्तीर्ण छात्र है वह जो है अप्लाई करेंगे। एससीबीटी जो है केवल आपका 3 ट्रेड ही जो है अलाउ किया गया है, जिसमें आपका वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। यह 3 ट्रेड के छात्र जो है एससीबीटी के भी जो होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी ट्रेड्स हैं वो सारे ट्रेड्स के लिए जो है केवल एनसीबीटी वाले को जो है अलाउ किया गया है। इसमें एज के संबंध में देखिए, आपका जो दिया गया है वो 1/6/2022 के डेट से आपका एज जो है कैलकुलेशन करना है, जिसमें देखिए बाकी जो आपका अप्रेंटिस का निकलता है उसमें जो है आपका 14 साल से जो है
आगे का जो है कोई भी स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं देखिए दिया गया है कि सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, तो कम से कम जो है आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज में देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी सारा जो अप्रेंटिस के लिए निकलता है उसमें अपर एज में जो है आपका 24 ईयर्स रहता है, तो यहाँ पर देखिए अपर एज में जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 27 ईयर्स दिया गया है, और बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए जो है 30 ईयर्स दिया गया है, और एससी एसटी के लिए जो है 32 ईयर्स दिया गया है, और बाकी जो है आपका जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनके लिए जो है आपका 10 वर्ष का जो है एक्स्ट्रा जो है छूट मिलेगा। तो एज में जो है आपको यहाँ पर में रिलैक्सेशन जो है देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद देखिए आपका इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन का प्रोसेस में दिया गया है देखिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर में आपका जो है मैट्रिक या आईटीआई का मार्क्स के आधार पर में सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको एक रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा देना पड़ेगा। तो यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होती है तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक समान होने के दशा में आईटीआई से अधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए इसमें यह दिया गया है कि अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता है और उसमें दो स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स हो जाता है तो इसी कंडीशन में यदि आपका आईटीआई में मार्क्स जिनका ज़्यादा रहेगा उनको जो है पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, और जिनका एज ज़्यादा रहेगा उसको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। आवेदन का प्रक्रिया देखते हैं, इसमें आवेदन का प्रक्रिया क्या है दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में देखिए आवेदन के लिए पहले आपको अप्रेंटिसशिप जो है भारत सरकार का जो पोर्टल बना हुआ है apprenticeshipindia.gov.in इस पर में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो आप यदि अभी तक रजिस्ट्रेशन अगर कर चुके हैं तो आपको केवल उसका नंबर का आवश्यकता पड़ेगा और उसका कॉपी लगाना पड़ सकता है, लेकिन यदि नहीं किए हैं तो आप जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर जाकर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और इससे संबंधित आपका जो है एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो हमारे चैनल से जो है आप वो वीडियो देख भी सकते हैं, या आई कार्ड में हम लिंक दे देते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका हम लिंक दे देते हैं, तो वहाँ से आप देख करके कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वह भी कर सकते हैं। देखिए इसमें और भी चीज़ दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल द्वारा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाकर निर्धारित बिंदुओं को भरते हुए भेल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड संस्थान सर्च कर अपने ट्रेड में उपलब्ध सीटों हेतु अप्लाई करें। देखिए आपको अप्लाई करने के लिए जो है जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो वहाँ पर में जो है उसके बाद अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल जब 100% अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का वहाँ पर में एक सेक्शन दिया हुआ रहता है जो कि आपको मेरा अप्रेंटिस कैसे करें वीडियो में जो है मिल जाएगा आपको, वहाँ से सारा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आपको कहाँ पर रहेगा कैसे करना है। वहाँ जा करके आपको सर्च मारना है भेल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और उसमें जो है आप अपना ट्रेड का जो है देख करके और उस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे। यह जो है आपका प्रोसेस दिया गया है इसमें। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान निर्धारित दस्तावेजों का विवरण भरते हुए आवश्यकता अनुसार इसे अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण करते समय अंकित आधार संख्या सही होना चाहिए। इस आधार कार्ड में उनका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि विवरण पूर्णतया सही हो। यह अवश्य लिखा हो कि योर आधार इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। किसी प्रकार की त्रुटि की दशा में अपने आधार कार्ड या प्रोफाइल संबंधित त्रुटि को यथाशीघ्र ठीक करा ले। अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में जिसके आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रभावित होगी। देखिए इसका सारा सारांश एक चीज़ हो गया, मीनिंग एक चीज़ हो गया कि आपको जो अप्रेंटिस पोर्टल पर में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस टाइम में सारा डाटा जो है सही सही डालना है आपको, कहीं पर में कोई गलती नहीं करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को सही सही अटैच करना है उसमें, नहीं तो आपको जो है बाद में वेरीफिकेशन के टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है। BHEL हरिद्वार करियर वेबसाइट के अंतर्गत इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर 2022 भेल हरिद्वार लिंक में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र अप्लाई भरना अनिवार्य है। देखिए आप पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में जो है आपको फिर से जो भेल का साइट है उस भेल साइट पर में जाकर के आपको इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर 2022 भेल हरिद्वार का जो है लिंक आपका वहाँ पर दिया हुआ है, और वहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए आप जो भी ये ऑनलाइन कीजिएगा उसके बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट निकलेगा उस एक्नॉलेजमेंट के साथ में सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर करके और इसको जो है एक लिफाफा में जो है आपको डाल करके और जो ये एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर में आपको भेजना है, और यह जो है 28/6/2022 तक जो है हर हाल में मिल जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो है उस एप्लीकेशन पर में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से आप इसको ऑनलाइन कीजिए और ऑनलाइन करके तुरंत जो है इसको बाय पोस्ट भेज दीजिए। देखिए तीन नंबर कॉलम जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जो है आप जो डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन आवेदन पार्ट टू में जो लोड करना है उसमें आपको देखिए क्या क्या लोड करना है।
पहला है आपका हाई स्कूल मार्कशीट, जो आपका टेंथ का जो है वो मार्कशीट होगा उसको अपलोड करना है। आईटीआई कंसोलिडेटेड अंक पत्र, कंसोलिडेटेड नहीं होने के दशा में सभी सेमेस्टर के अंक पत्र। यदि आपके पास में जो है सेमेस्टर वाइज के स्टूडेंट्स हैं, जो 18 सेशन से पहले के स्टूडेंट्स होंगे वही सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे। इसमें जो दिया हुआ है वो पुराने के हिसाब से दिया हुआ है, अभी करेंट के हिसाब से आपका फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का जो है ईयर वाइज आ रहा है, सेमेस्टर वाइज नहीं आ रहा है। तो या तो आप कंसोलिडेटेड जो है लोड कीजिए, और नहीं कंसोलिडेटेड आपके पास में है तो उस कंडीशन में आप जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का जो है आप जो है मार्कशीट लोड करेंगे। ये इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी जो है आपका आधार कार्ड जो है वो चाहिए आपको, उसको लोड करना है। जाति प्रमाण पत्र में आपका या EWS जो जिसे बिलोंग करते हैं वो आपको लोड करना है। अगर विकलांग कैटेगरी के तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है आपको लोड करना है। और आपका जो है उत्तराखंड के लिए जो है आपको डोमिसाइल जो है चाहिए, आपको इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तो इसके लिए आप देखिए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है, इस नंबर पर में आप कॉन्टैक्ट कर बाकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो डेट्स दिया गया है, संभावित तिथि दिया गया है, इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु आरंभिक तिथि आपका आज से जो है 11/6/2022 से स्टार्ट हो गया है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है आपका 21/6/2022 है, यानी कि 21 तारीख तक ही आपका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचने के लिए जो है एक सप्ताह का टाइम दिया गया है, 28/6 तक के जो है आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और लिखित परीक्षा का जो है डेट जो है आपका देखिए 6/8/6/2022 को जो रिटर्न एग्जाम होगा। और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है घोषणा करने की तिथि, जो आपका रिजल्ट जो है फाइनल लिस्ट जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और 24/8/2022 को जारी किया जाएगा। और ज्वाइनिंग के लिए जो आपको लेटर दिया जाएगा वो जो है आपका 1/9/2022 से लेकर के 1/9/2022 से लेकर के 7/9/2022 तक के जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह अप्रेंटिस नोटिफिकेशन से संबंधित सारा जानकारी जो है आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। यदि आप लोगों को कहीं पर भी कोई चीज़ समझने में कठिनाई होती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और बाकी स्टूडेंट्स के बीच भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।